आसिम रियाज ने एक बहुत ही स्पेशल मैसेज अपने फैंस को दिया है। क्या कहना चाह रहे हैं वो अपने फैंस को, मैं हीना कुमावत आपको बताऊंगी, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ख्याल रखिए, अगर रिलीज हुआ और उसने जो है लोगों का दिल जीता, और अब जो है आसिम रियाज अपने नए प्रोजेक्ट पर ध्यान दे रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है वो तो यही बात कहता है। उन्होंने कुछ तस्वीरों के साथ, हालांकि आसिम हमेशा कुछ ऐसे अंधेरे में जो है अपनी इस तरह की तस्वीरें, और ये पहली बार नहीं है, वो अक्सर ऐसे ही अपना जो फिजिक है उसकी तस्वीरें इस तरह से ही पोस्ट करते हैं, थोड़ी सी अंधेरे में, डार्क में इनके साथ। लेकिन जो मैसेज है उन्होंने वो काफ़ी खास दिया है। वो कहते हैं, डू नॉट लेट व्हाट्स बीइंग डन क्लाउड योर विजन ऑफ व्हाट यू कैन डू। जो हो गया है उसके बारे में मत सोचो, जो करना है, जो होने वाला है, अपने आप को उस पर फोकस करो। जी हाँ, बहुत ही प्यारा मैसेज जो है वो दे रहे हैं कि जो हो गया है उसके बारे में ना सोचकर, जो होने वाला है या जो आप आकर अगला करने वाले हो उसके बारे में सोचो, यानी कि अपनी एनर्जी जो है, अपना विजन जो है उस पे लगाओ कि अब आगे क्या करना है। तो कहीं ना कहीं वो इस बात की ओर ही इशारा कर रहे हैं कि जो हो गया है, जो सफलता मिल गई है, जो सक्सेस मिल गया है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आगे क्या प्रोजेक्ट्स हैं, आगे क्या चीज़ें होने वाली हैं उसके बारे में सोचना ज़्यादा ज़रूरी है। और वो यही बात जो है अपने फैंस को भी कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आसिम भी अपने फैंस को लगातार अपनी तस्वीरों से फिटनेस के लिए इंस्पायर करते रहते हैं, और अपने कैप्शन से लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं, फैंस को मोटिवेट करते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आसिम के इस मैसेज के पीछे क्या राज है? हालांकि फैंस क्या लिख रहे हैं उनके पोस्ट पर, यूथ इंस्पिरेशन नाजिर लिखते हैं, आसिम स्क्वाड लिखते हैं, आसिम आसिम रियाज ऑल इंडिया वर्ल्ड फेमस, दरअसल ये एक प्रमोशनल मैसेज है, बिग फैन सर, सबने जो है इस तरह के इमोजी डाले हैं, और आसिम आसिम यूथ इंस्पिरेशन इस तरह के मैसेजेस लिखे हैं। तो कहीं ना कहीं आसिम अपनी तस्वीरों के साथ साथ कैप्शन से भी लोगों को कर रहे हैं, यूथ को कर रहे हैं इंस्पायर। क्या लगता है आपको, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।